दंतेवाड़ा का जिला कटेकल्याण ब्लॉक जहां हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे थे और लोगों की समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया, उन वादों को पूरा करने कलेक्टर विनीत नंदनवार ने अपनी पूरी टीम के साथ दिन भर कटेकल्याण क्षेत्र का दौरा किया। कटेकल्याण पहुंचते ही कलेक्टर नंदनवार में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। वहीं कलेक्टर को अपने बीच पाकर ग्रामीण महिलाओं ने अपनी अपनी समस्याएं रखी, जिसे लेकर कलेक्टर ने तुरंत निराकरण करने के आदेश दिए। कलेक्टर विनीत नंदनवार ने जनपद पंचायत के सभा सभी अधिकारियों को अपने अपने कार्यालय को सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जनप्रतिनिधि और समाज प्रमुखों से भी मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और कई कार्यों को शुरू करने की कार्य योजना बनवाई, जिनमें अस्पताल की समस्याएं, कॉलेज निर्माण, खेल मैदान को स्टेडियम बनाना, पेट्रोल पंप की समस्या, आत्मानंद स्कूल में कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी जैसे कई कार्य शामिल है। और पीडीएस का चावल चावल भी मिल रहा है। इस तरह का माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है मनसानुरूप हम लोग यहाँ पर जो है बेहतर से बेहतर यहाँ पर डेवलपमेंट के काम करेंगे। और कई सभी जो यहाँ पर जो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, नागरिक हैं, सबसे चर्चा हुई है और कई विषय जो है सामने आए हैं। इन विषयों का चाहे वो आपका हॉस्पिटल की बात हो, चाहे आपके कॉलेज की बात हो या आपके प्लेग्राउंड की बात हो, इन सभी विषयों पर जो है हम लोग आगे जो है इसमें काम करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर अभी नए कॉलेज बनाया जाना हमारा प्रस्तावित है। सीएससी की जो है नई स्वीकृति हो चुकी है और जो ग्राउंड बना हुआ है उसको भी बेटर करेंगे। एक इंटीग्रेटेड जो है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की तरह कटेकल्याण का जो है ग्राउंड को उसको डेवलप करेंगे।